दोस्तों, आज के समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस एक्टर्स काजोल देवगन को कौन नहीं जानता है। काजोल देवगन बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस एक्टर अजय देवगन की वाइफ हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काजोल देवगन के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी काजोल देवगन के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, शायद काजोल देवगन के बारे में आपको ऐसी बातें जानने को मिले जो आपको न पता हो। और दोस्तों, अगर आप भी काजोल देवगन को दिल से पसंद करते हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इनका रियल नेम काजोल देवगन है और इनका निकनेम कैट्स है। काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और 2023 के हिसाब से इनकी उम्र 49 वर्ष हो चुकी है। प्रोफेशन से काजोल देवगन एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं। काजोल देवगन ने अपनी स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से कंप्लीट की है। इसके बाद आगे की पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं काजोल देवगन के कैरियर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि काजोल देवगन ने अपने कैरियर की शुरुआत बेखुदी मूवी से की थी, लेकिन इनकी ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद काजोल देवगन ने 1994 में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के साथ एक मूवी की जिसका नाम था बाजीगर, और इनकी ये मूवी आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई और सुपरहिट रही। और इनकी इस मूवी को काजोल के कैरियर का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। उसके बाद 1995 में शाहरुख खान के साथ इनकी एक और मूवी आई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इनकी ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। उसके बाद 1997 में बॉलीवुड के फेमस एक्टर बॉबी देओल के साथ इनकी एक मूवी है जिसका नाम था गुप्त, और इनकी ये मूवी भी सुपरहिट रही। उसके बाद 1999 में अनिल कपूर के साथ इनकी एक मूवी आई जिसका नाम था हम आपके दिल में रहते हैं, और इनकी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 37 करोड़ का कलेक्शन किया। उसके बाद सन 2015 में किंग खान के साथ इनकी एक और मूवी है जिसका नाम था दिलवाले, और इनकी ये मूवी आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई और सुपरहिट रही। इसके बाद काजोल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद अजय देवगन के साथ इनकी एक और मूवी है जिसका नाम था तानाजी, और इनकी ये मूवी आते ही बड़े पर्दे पर सुपरहिट रही, और इनकी इस मूवी ने 500 करोड़ से भी अधिक का कलेक्शन किया। दोस्तों, इसके अलावा भी काजोल देवगन ने कई सारी मूवीज की है जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी काजोल देवगन की कौन सी मूवी फेवरेट है हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं काजोल देवगन के अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि काजोल देवगन को आईफा, फिल्म फेयर, जीसन जैसे कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं जिनकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं काजोल देवगन की फैमिली के बारे में। काजोल देवगन के फादर का नाम सोमू मुखर्जी है। काजोल देवगन की मदर का नाम तनुजा मुखर्जी है। काजोल देवगन की सिस्टर का नाम तनिषा मुखर्जी है। काजोल देवगन के हस्बैंड को तो आप सभी लोग जानते होंगे जिनका नाम अजय देवगन है, जो कि प्रोफेशन से एक एक्टर हैं। काजोल देवगन की डॉटर का नाम नाइशा देवगन है। काजोल देवगन के सन का नाम युग देवगन है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं काजोल देवगन के इनकम के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि काजोल देवगन एक मूवी करने के 28 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा इनकी ज्यादातर इनकम इनके ब्रांड इंडोर्समेंट से होती है जिसके वे 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा काजोल देवगन ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की हुई है 80 करोड़ की, इनसे भी इनकी अच्छी खासी इनकम होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं काजोल देवगन के नेटवर्थ के बारे में। दोस्तों, 2023 के हिसाब से काजोल देवगन का टोटल नेटवर्थ 260 करोड़ से भी ऊपर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं काजोल देवगन के हाउस के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि काजोल देवगन का मुंबई में एक आलीशान घर है और इनके इस घर में लगभग सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, और इनके इस घर की कीमत है 20 करोड़ रुपए, और अपने इस घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप इनके घर की कुछ शानदार फोटोज देख सकते हैं।
चलिए दोस्तों बात करते हैं काजोल देवगन की कार्स कलेक्शन के बारे में। दोस्तों नंबर एक पर आती है मर्सिडीज बेंज जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। नंबर दो पर आती है ऑडी Q7 जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। नंबर तीन पर आते हैं BMW Z4 जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। दोस्तों इसके अलावा भी काजोल देवगन के गैरेज में कई सारी शानदार गाड़ियों का कलेक्शन है। दोस्तों आपको बता दें कि काजोल देवगन ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया है तब जाकर इन्हें ही मुकाम हासिल हुआ है। आज के समय में काजोल देवगन की पहचान किसी की भी मोहताज नहीं है। इन्होंने अपना नाम अपने दम पर खुद बनाया है और आज के समय में ये अपनी मेहनत के दम पर एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं। दोस्तों काजोल देवगन ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर लिया है जहाँ पहुँचना हर एक एक्ट्रेस का सपना होता है। दोस्तों अगर आप भी काजोल देवगन को दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपकी काजोल देवगन की कौन सी मूवी फेवरेट है हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस एक्ट्रेस पर चाहिए, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।